जैसलमेर जिले के मोकला गांव में एक प्रधानाचार्य की बर्बरता देखने को मिली। मोकला गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सुबह स्कूल का गेट बंद करके ताला जड़ दिया। कुछ देर बाद अपनी कार से आई प्रधानाचार्य दरिया बारट ने तेज रफ्तार से स्कूल का गेट तोड़ने का प्रयास किया, जिससे एक 9वीं क्लास के दलित छात्र गणपत राम के सिर पर गंभीर चोट आई। घायल छात्र को इलाज के लिए जैसलमेर के जिला अस्पताल ले जाया गया। सुबह हम आए थे, गांव की ये मांग है कि इन्होंने एक तो लिख के दे दिया बोर्ड हटाओ यहाँ से, तो हमारे गांव काफी लोगों ने यहाँ से टीसियां कटा ली बच्चों ने, और ये स्टाफ पूरा इससे तंग है, गांव वाले सब तंग है, हमारी यही मांग है इसको हटाओ। और सुबह ये जबरदस्ती इसने गाड़ी अंदर घुसाई, बच्चे के लगाई, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। साहब जब सुबह स्कूल आए थे स्कूल का लॉक लगा हुआ था, दो दिन बंदर अंधे थे, तो मैडम आई तो उसने एक गेट खोला, तो जो भी जैसे गेट खोल रहा तो मैडम ने गाड़ी दबाई तो उसके एक सिर पर चोट लग गई। वो मेघवाल जाति का था, उसने एसटी का केस लगा दिया। अभी जो भी अंदर हम गए नहीं, हम भी बच्चे भी तंग हो रहे धूप में, जो भी प्रशासन होगा तो देख लेगा। घटना की सूचना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए तथा सैकड़ों की संख्या में स्कूल के आगे इकट्ठा होकर अपना विरोध जताने लगे। वारदात के बाद प्रधानाचार्य ने खुद को स्कूल के कमरे में बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में लंबे समय से अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षकों के पद रिक्त हैं और 12वीं बोर्ड के छात्रों का सेंटर प्रधानाचार्य ने जानबूझकर मोकला नहीं करवा के लाड़ेला करवा दिया, जिससे बच्चों में रोष व्याप्त हुआ। बच्चे अपना विरोध जता रहे थे कि इतने में प्रधानाचार्य ने गेट तोड़ने के प्रयास में दलित छात्र गणपत राम को टक्कर मारकर घायल कर दिया। मामले की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी के लिए जैसलमेर से गणपत ढैया की रिपोर्ट।